हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रामा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। दोस्तों, आज हमारे पास है वायरलेस स्पीकर ब्लूटूथ यूबोन का, जो कि बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है। इसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ हमेशा आप लोग के लिए नया नया वीडियो लाते रहूँ। आज हमारे पास है यूबोन का, इसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको परचेस करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाके परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको दिखाते हैं, आज हमारे पास है 6 ब्लूटूथ स्पीकर है, जिसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे। इसका मॉडल नंबर है SP6580। दोस्तों, ये आपको मार्केट में कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। बाकी आपको परचेस करना है तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाके परचेस कर सकते हैं। इनका अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, देखिए इसका इस तरह का लुक होता है और आगे में ये जाली लगा होता है, जो कि बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का होता है। ये काफ़ी ठोस होता है, अगर आपका गिरता है तो जल्दी दोस्तों ये टूटता नहीं है। और आपका ये देखिए, यहाँ पे इसका साउंड भी बहुत तेज़ है। इसका बैटरी वगैरह, अगर सिर्फ गाने गाने सुनते हो तो आप कम से कम 5 से 6 घंटे इसमें गाने सुन सकते हो। और ये देखिए, ये आपका यूबोन का यहाँ पर स्टिकर लगा होता है। और दोस्तों, ये इसके पीछे में ये जाली है और उसके बगल में ये बूफर लगा होता है पीछे। और आगे आपको मैंने दिखा दिया कि यहाँ पे 2 स्पीकर होता है। और ये आपका कहीं पार्क में घूमते हो, साइकिल लेके घूमते हो, तो इसके लिए स्टैंड होता है, जो कि कहीं कहीं भी इसको आप आराम से लेके जा सकते हो। मेरे पास अभी 6 स्पीकर है, तो इसका हम आपको दिखाएंगे पूरा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। तो आपको हम दिखाते हैं, हमारे पास और भी कलर है, आपको हम दिखाते हैं बारी बारी से। अभी फ़िलहाल दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये देखिए, ये आपका ऑक्स केबल होता है, जो कि ये आपका ऑक्स केबल साथ में आता है। कई फ़ोन में जो ब्लूटूथ तो नहीं होता है, ये उसके लिए होता है। उसमें आप लगा के और यहाँ पर लगा के दोस्तों इसमें आप गाने सुन सकते हो। अगर कई PC में भी वो ब्लूटूथ नहीं आता है, ये उसके लिए भी ये काम करता है। उसमें लगा के आप इसमें लगा के कनेक्ट कर सकते हो। और ये इसके बगल में ये USB का, अगर आपके पास पेन ड्राइव है तो यहाँ पे दोस्तों इसको लगा के गाने सुन सकते हो। इसके जस्ट बगल में इसके ऊपर SD कार्ड का फंक्शन होता है, मेमोरी कार्ड लगा के आप यहाँ पे गाने सुन सकते हो। और इसके बगल में ये चार्जिंग का पॉइंट होता है, आप यहाँ पे से चार्जिंग कर सकते हैं। और ये इसके बगल में ये ऑन ऑफ का बटन है, मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। ये देखिए, आपका ये ऑन ऑफ का बटन होता है। तो हमने इसको ऑन कर दिया है और इसको हम चलाएंगे और आपको इसका आवाज़ सुनाएंगे। और दोस्तों, हम दिखाते हैं, हमारे पास अभी और भी स्पीकर है, इसका आप कलर दिखा देते हैं आपको किस तरह का ये आता है। तो आपको हम दिखाते हैं बारी बारी से। दोस्तों, यही ब्लैक में ही है। आपका ये भी ब्लैक में ही है। तो भाई लोग, हमारे पास अभी सारा स्पीकर ब्लैक में ही है, बाकी इसमें आपको करीब 5-6 कलर का स्पीकर आता है। तो इसको हम प्ले करते हैं और आपका इसका साउंड सुनाते हैं। तो इसका आपको हम साउंड सुनाते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे SD कार्ड को लगा देना है, जो कि मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। और आपको यहाँ से इसको ऑन कर देना है। देखिए, गाना स्टार्ट हो गया और आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। दोस्तों, ये आपका दोनों काम एक ही करता है। आपका वॉल्यूम का भी काम यही करता है और गाने को चेंज करने का भी ये बटन दोनों में एक ही काम करता है। और आपका ये FM मोड चेंज करने के लिए होता है, अगर आप USB केबल लगाते हो उसके लिए होता है। अगर आपके पास FM है, USB है, उसके लिए आप यहाँ से इसका मोड चेंज कर सकते हो, उसके लिए होता है। बाकी अगर आपका गाना चल रहा है, चाहते हैं यहाँ पर स्टॉप करने के लिए, तो आपका यहाँ पर स्टॉप कर सकते हो उसको।
ये देखिए आप यहाँ से इसको स्टॉप कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसका वॉल्यूम कम कर सकते हो, ये देखिए वॉल्यूम कम हो गया। और यहाँ से आप वॉल्यूम इसका बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।